हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल के बारे में। फ्रेंड्स, लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल दो दवाओं के कॉम्बिनेशन से बनाई गई मेडिसिन है जो एक एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये मेडिसिन इन्फेक्शन पैदा करने वाले उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकने का काम करता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में ये जानते हैं कि इस मेडिसिन को कौन सी कंपनी बनाती है, इसका प्राइस क्या है, कंपोजिशन क्या है, इसके अलावा इस दवा के होने वाले यूज़ और बेनिफिट्स, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ उन दवाओं की जानकारी भी ली जाएगी जिनके साथ लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल का यूज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल को अगर बनाने वाली कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों, इस कैप्सूल को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और ये दवा 10 कैप्सूल्स के एक स्ट्रिप में आती है जिसका मार्केट प्राइस 74 रुपीज़ है। तो आइए अब ये जानते हैं कि इसके कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल में अगर मिलने वाले साल्ट की बात करें तो दोस्तों, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg और लैक्टिक एसिड बेसिलस 5 बिलियन स्पोरेस के स्ट्रेंथ में शामिल होता है। जिसमें अगर बात करें डॉक्सीसाइक्लिन की, तो ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ठीक करता है। वहीं अगर बात की जाए लैक्टिक एसिड बेसिलस की, तो ये साल्ट आंतों को मजबूत करता है और दस्त के कंडीशन से राहत दिलाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इसका यूज़ डॉक्टर कौन कौन से डिजीज़ में करते हैं। फ्रेंड्स, इसका यूज़ मुख्य रूप से बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में किया जाता है, जिसमें पेट और आंत का इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हड्डियों का इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, विजाइना इन्फेक्शन और पेनिस इन्फेक्शन इत्यादि शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, लैंटिक्लिन एलबी मुख्य रूप से पेट और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन के कारण होने वाले डायरिया और क्रॉनिक डायरिया को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन में पाया जाने वाला डॉक्सीसाइक्लिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो वैसे प्रोटीन को बनने से रोकता है जिससे बैक्टीरिया का विकास होता है, और लैक्टिक एसिड बेसिलस एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंटेस्टाइन में उन बैक्टीरियाज को संतुलित रखता है जो हमारे पेट और आंत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए लैंटिक्लिन एलबी खास तौर से पेट और आंत को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब अगर इसके डोज की बात की जाए तो वैसे तो इसे खाना खाने के बाद रात को एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है, बट कभी कभी इसे दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, लेकिन ये डोज डॉक्टर के सलाह के बाद ही लेना चाहिए। इसी के साथ चलिए अब लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर थकान, सिर दर्द, गला सूखना, स्किन रिएक्शन और उल्टी के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं जो बहुत ही हल्के तौर पर होते हैं। और जहाँ तक प्रिकॉशन की बात है तो प्रेग्नेंट महिलाएँ और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं को इस दवा का यूज़ बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा हार्ट, लीवर और किडनी के मरीजों को भी लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल का यूज़ बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में आइए उन दवाओं की जानकारी ले लेते हैं जिनके साथ लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल का यूज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। दोस्तों, ये मेडिसिंस एजिलैक एसिड, गाइफेनिसिन, एसिट्रेटिन, फेनाइलफ्रीन और कैल्शियम के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में लैंटिक्लिन एलबी कैप्सूल के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल के मेडिसिन से जुड़े ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट का नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन के टॉपिक के साथ। नमस्कार।